नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। लखनऊ में आज विधानसभा के मॉनसून सत्र में सपा विधायक विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे थे और इसी के लिए वो निकले थे। वहीं अब विधायकों को पुलिस ने घरों में नजर बंद कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि विधायकों को विधानसभा के अंदर जाने से रोका जा रहा है। पुलिस ने उनके आवास पर उनको नजरबंद कर दिया। पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है जिससे विधायक विधानसभा तक ना पहुंच सके। तस्वीरें आप मेरे बगल में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो सपा के विधायक हैं उनको घरों में नजर बंद कर दिया है, ऐसा आरोप अखिलेश यादव सपा प्रमुख लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आज विधानसभा के मानसून सत्र में जो सपा है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर बढ़ते अपराध का मुद्दा हो, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार से जवाब मांगने के लिए विधानसभा का रुख कर रहे थे। लेकिन अब विधायकों को पुलिस ने घरों में नजर बंद कर दिया जिससे वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके, वो ट्वीट भी आप देख पा रहे हैं, वो ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों को विधानसभा के अंदर जाने से रोका गया है, पुलिस ने उनके आवास पर उनको नजरबंद कर दिया, पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे पर तैनात भी किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे विधायक विधानसभा तक ना पहुंच सके। तो आखिर क्यों रोका गया है, क्या वजह है, क्या मानसून सत्र में जो विपक्ष है वो नहीं जा सकता या विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा सकता, ऐसे में तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश का मैं रुख करूंगी। दानिश, विधानसभा के मॉनसून सत्र से विपक्ष को हटाने की कोशिश कर रही है सरकार, ऐसा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है और अखिलेश यादव के आवास के बाहर, कार्यालय के बाहर भी हम देख पा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखिए कि जब राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाली तो समाजवादी पार्टी ने भी महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के आज सुबह उनका प्रदर्शन होना था, और चूंकि मानसून सत्र चल रहा है तो मानसून सत्र में भी इनका कुछ प्रदर्शन होना था। लेकिन यहाँ पर अचानक सुबह सुबह भोर में ही पुलिस पहुंचती है और अचानक ही सबको हाउस अरेस्ट कर लेती है। जैसे कि लखनऊ से रविदास मल्होत्रा हैं और जो बाराबंकी से राकेश हैं, इन चीजों को लेकर के पुलिस पहुंच के इनको हाउस अरेस्ट कर लेती है और प्रदर्शन को लेकर के इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं। लेकिन ये जो अचानक जो अभी विधानसभा के पर जो जाने पर रोक लगा दी गई है, ये समझ से परे है कि विधायकों को विधानसभा अपने सत्र के दौरान किस बात की अनुमति न मिलने का कारण बताया गया है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि जो विधायक हैं वो सदन के सदस्य हैं, उनको वहां पर न जाने की अनुमति देना ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और अखिलेश यादव ने इसी को लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही का मुद्दा बनाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की जो आज प्रदर्शन था वो प्रदर्शन था महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, सरकार की तानाशाही को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सीधे सीधे सरकार पर हमला किया है, क्या सरकार के मंत्रियों की तरफ से या किसी विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में विधायकों को जाने पर तो रोक लगा दी गई है, साथ में मीडिया को भी इस बात पर रोक लगा दी गई है कि कवरेज पर भी रोक लगाई गई है। ये एक समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया पर कवरेज की रोक किस बात की है। कुछ विजुअल्स हमारे पास आए हैं, उस विजुअल के आधार पर केवल वीडियो ही कुछ बन पाए, उसके बाद आनंद फानंद में मीडिया पर भी रोक लगा दी गई। प्रशासन का ये कहना है कि मीडिया पर भी कवरेज की रोक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आज प्रदर्शन था वो बेरोजगारी महंगाई पर था, और ये सही भी है उत्तर प्रदेश में। ये दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी पद यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के निकाल रहे हैं, जिसको लेकर क्या समाजवादी पार्टी ने भी कमर कसी है। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई बयान सामने आया कि सुरक्षा के कारणों की वजह से रोक लगाई गई है ताकि माहौल ना बिगड़े, ऐसा कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ऐसी कोई वजह? अभी तक तो स्टेटमेंट किसी भी सरकार के न प्रवक्ता का आया है, नहीं किसी सरकार के प्रतिनिधि का आया है। लेकिन विधानसभा में विधायकों को रोक देना और मीडिया पर कवरेज की रोक लगा देना, ये मुझे लगता है शायद अखिलेश यादव के ट्वीट में कहीं ना कहीं दम दिखा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या शायद कहीं ना कहीं है। क्योंकि प्रदर्शन की अनुमति ना देना तो एक समझ में आता है, लेकिन विधायकों को विधानसभा के अंदर ना जाने देना और मीडिया को इस पर कवरेज लगाना, ये समझ से परे है। अब किस बात का ये प्रोटोकॉल है और किस बात को लेकर के सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई है, ये सवाल है।
लेकिन राहुल गांधी के पदयात्रा के बाद अचानक समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है और समाजवादी पार्टी के जैसे लखनऊ के रविदास मल्होत्रा है विधायक हैं, उनको भी उनके घर के बाहर आसपास पुलिस का पूरा पहरा है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। बाराबंकी में राकेश वर्मा है, उनके घर पर भी पहरा है। लखनऊ से दो तीन और भी पूर्व विधायक है, उनके और पहरा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास पर भी पहरा लगा दिया गया है। तो जिससे जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही पहरे में बंद कर दिया गया है, तो लोकल विधायक एमएलए तो उनके निकल नहीं सकते। और दूसरी बात, मीडिया के कवरेज पर रोक लगा दिया गया है। केवल इतना कहा गया है कि बात हो पाई है अधिकारियों से, कितनी देर तक ये पहरा रहने वाला है। मतलब कि अभी जो हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने, उस पर हम देख पा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, बैरिकेडिंग की हुई है, कितने समय तक ये रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि शायद इसमें शाम भी हो सकती है, जब तक प्रदर्शन का खत्म नहीं होगा या जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। मुझे लगता है कि मानसून सत्र भी चल रहा है, सत्र के दौरान जब विधायकों को विधानसभा में अनुमति नहीं दी गई है, कवरेज पर रोक लगा दी गई है, विधायकों के बाहर पुलिस का पहरा है, प्रशासन ने नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर लिया, इस तरीके से मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलने वाली। मुझे लगता है शायद शाम तक इस पर कोई ना कोई बयान आएगा, या शायद खुद अखिलेश यादव का है या सरकार के किसी प्रवक्ता का है, किसी न किसी का तो आना ही है, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। फिलहाल अपडेट के मुताबिक तो यही है कि अभी तक प्रशासन ने सारे एमएलए को पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लखनऊ से जितने भी सटे हुए जिले हैं वहां पर भी वहां के एमएलए जो पार्टी के विधायक हैं उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है कि वो अपनी सीमा से लखनऊ में नहीं पहुंच पाएंगे। खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, साथ ही साथ सरकार मनमानी कर रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया, कि जो पत्रकार हैं, जो मीडियाकर्मी हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी जो सपा है वो कर चुकी थी और इसी वजह से इसे रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा में और मानसून सत्र में विधायकों को जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों उन्हें नजरबंद किया गया है और क्यों अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।